हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर ऑफ क्लास सिक्स एंड चैप्टर नेम इज़ हाउ वी गवर्न आर कम्युनिटीज़ सो वी लेट स्टार्ट विद अ ग्लोजरी द फर्स्ट वर्ड इज वार्ड एरियाज इन टू विच अ विलेज और टाउन सिटी इज डिवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन जब हम किसी विलेज के या किसी टाउन के कुछ हिस्से डिवाइड कर देते हैं इलेक्शन के दौरान उसे बोलते हैं वार्ड नेक्स्ट इज सिविक रिलेटिंग टू और ऑफ अ सिटीजन सिटी और सिटीजनशिप ये नागरिकता से रिलेटेड है किसी की सिटीजनशिप से रिलेटेड है उसे हम सिविक बोलेंगे नेक्स्ट इज सक्सेशन द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग इन ऑर्डर बाय वे समथिंग चेंजेस हैंड्स इट मीन्स कि जब हम अपनी पोजीशन किसी और को देते हैं वो एक ऑर्डर में चलती रहती है उसे हम बोलेंगे सक्सेशन नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिड्यूज द वर्क ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बाई टेकिंग केयर ऑफ सिविक अम्यूनिटीज़ एट द लोकल लेवल जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो वर्कलोड है वो काफ़ी कम कर देती है क्योंकि जो भी छोटे मोटे लोकल लेवल के टास्क होते हैं वो खुद करती है लोकल पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव आर इन द बेस्ट पोजीशन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ एनी विलेज और टाउन सो प्रॉब्लम आर नॉट निगलेक्टेड एंड पीपल हेल्प टू सॉल्व दैम क्विकली एज इट इज़ देयर ओन गुड अब जो लोकल पीपल होते हैं लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो विलेज uh, के लोगों की जो गांव के लोग हैं उनकी परेशानियाँ अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं उसी टाउन में रहते हैं इसके कारण जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकती हैं द एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद प्रॉब्लम मेक्स द लोकल पीपल सेल्फ रिलायंट एंड रिस्पॉन्सिबल दिस इनेबल देम टू एक्ट रिस्पांसिबिली ड्यूरिंग एमरजेंसीज फॉर एक्जाम्पल ड्यूरिंग साइक्लोन और फ्लड्स दे कैन स्टार्ट रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क बिफोर हेल्प अराइव फ्रॉम द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अब जब ये लोग खुद काम करते हैं लोकल लेवल पे काम करते हैं तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है इन्हें इसकी वजह से जब ये एमरजेंसी कोई भी एमरजेंसी आती है तो उसमें ये खुद से काम कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई बाढ़ आती है या साइक्लोन आता है तूफ़ान आता है तो उस केस में ये अपने बिहाफ पे अपनी तरफ से काम करना शुरू कर सकते हैं लोगों को रेस्क्यू कराना शुरू कर सकते हैं ना कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प की वेट करें तीन तरह की लोकल बॉडीज के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में द फर्स्ट वन इज़ पंचायती राज सेकेंड इज म्यूनिसपालीज़ एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले पढ़ेंगे हम पंचायती राज के बारे में इन एशियन विलेजेस विज मैनेज अर अफेयर थ्रू अ बॉडी कॉल्ड पंचायत द टर्म पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच विच वॉज यूज फॉर द फाइव विलेजेस एल्डर एल्डर हु सेटल डिस्प्यूट एंड टुक डिसीजन टू डे ऑल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज फॉर रूरल एरियाज आर कॉल्ड पंचायत दे फॉर्मड एज पर फिक्सड रूल्स For ease of administration, the states in India are divided into districts. The districts are further divided into blocks, each of which has a number of villages under it. Panchayat exists at all of these three levels. The system of local self-government at three levels is called Panchayati Raj. In this system, a village has a Gram Panchayat, a block has block Samiti, also called Panchayat Samiti, and rustic has Jila Parishad. पुराने समय में क्या होता था जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स होती थी परेशानियाँ होती थी वो कौन सुलझाता था पंचायत और ये जो पंचायत वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है पंच से पंच का मतलब होता है पाँच मतलब पाँच ऐसे एल्डर विलेज विलेजर्स जो कि डिसीजन ले उनके किसी भी झगड़े के ऊपर तो पाँच लोगों को बना दिया जाता था पंचायत में पाँच लोग इंक्लूड होते थे जो भी बड़े लोग होते थे गाँव के और वो जो हैं सबके झगड़े सुलझाया करते थे जो भी आज जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज हैं रूरल एरियाज़ में उन्हें पंचायत बोला जाता है और इनके कुछ रूल्स हैं जो कि इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो हर एक स्टेट है स्टेट को किस में डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले में और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आगे उनको किस में डिवाइड कर दिया ब्लॉक्स में और हर ब्लॉक में कुछ कुछ विलेजेस आते हैं तो जो पंचायत है ये तीनों लेवल पे काम करती है इस लेवल को बोला जाता है इस टाइप की सेल्फ गवर्नमेंट को बोला जाता है पंचायती राज विलेज में क्या होता है ग्राम पंचायत ब्लॉक में क्या होता है ब्लॉक समिति उसे हम पंचायत समिति भी बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है ज़िला परिषद Next is how are the panchayat formed? The panchayat at the three level are formed by members who are elected by the people. The panchayat election, the area under the panchayat is divided into smaller area called constituency or wards. Each of these elect one representative. The member are elected for a term of five years. seat आर reserved फॉर women, शेड्यूल caste, शेड्यूल ट्राइब and अदर backward classes. अब जो पंचायत हैं ये तीनों लेवल पे कैसे बनती है जो लोग हैं वही इन्हें इलेक्ट करते हैं वही इन्हें पंचायत का हेड बनाते हैं और जो पंचायत इलेक्शन हैं वो छोटे छोटे एरियाज़ में जैसे कि वार्ड्स एंड कॉन्स्टिट्यूंसिस में होते हैं वो पूरे लार्ज लेवल पर नहीं होते और इनमें से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाता है जितने भी ये जो इलेक्शन है ये हर पाँच साल बाद होता है और इसमें सीट्स भी रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से सीट्स जो हैं वो रिज़र्व होती हैं नेक्स्ट इज़ अपार्ट फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स लोकल एम एल एज एंड एम पीज बिकम मेंबर ऑफ द ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद ऑल्सो ऑल द हेड ऑफ़ द ग्राम पंचायत ऑफ अ ब्लॉक मेंबर A block became member of the block samiti. Similarly, all heads of the block samiti of a district become members of the jila parishion. These members are called ex-officio members as they become members because of the office post they hold. The government has a representative in all the panchayat. It appoints a panchayat secretary to the gram panchayat. The Block Development Officer BDO is the government's representative in the Block Samiti, and a senior district level officer is appointed to the Jira Parishad. These officers ensure the proper functioning of the panchayats. इसके साथ साथ जितने भी लोकल एमएलए और एम होते हैं ये भी किसके मेंबर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली ब्लॉक समिति और जिला परिषद के उसके बाद जितने भी ग्राम पंचायत के हेड होते हैं वो भी ब्लॉक समिति के मेंबर बन जाते हैं सिमिलरली जितने भी ब्लॉक समिति के हेड होते हैं वो क्या बन जाते हैं जिला परिषद के मेंबर बन जाते हैं और इन मेंबर्स को क्या बोला जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्योंकि ये जो मेंबर्स हैं ये अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं इसलिए इन्हें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बोला जाता है उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उस उसने हर अपना रिप्रेजेंटेटिव हर एक पंचायत में उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है वो खुद से एक आदमी जो है वो अपना पंचायत में जो है वो मेंबर बनाती है और क्या अपॉइंट करती है उसे क्या बोला जाता है पंचायत सेक्रेटरी ग्राम पंचायत में उसे पंचायत सेक्रेटरी बोला जाता है और जो बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ये गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है ब्लॉक समिति में तो ग्राम पंचायत में रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है पंचायत सेक्रेटरी और ब्लॉक समिति में रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है बीडीओ और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सीनियर ऑफिसर होता है उसे अपॉइंट किया जाता है जिला परिषद में ये ऑफिसर ध्यान रखते हैं कि जो काम है पंचायत में वो प्रॉपर ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत द पंचायत मेनली वर्क इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन एग्रीकल्चर एनिमल वेलफेयर वाटर सप्लाई रोड्स कॉटेज इंडस्ट्री

वो किस का है एजुकेशन के एरिया में है एग्रीकल्चर एनिमल वेलफेयर वाटर सप्लाई रोड्स कॉटेज इंडस्ट्री इन सब का जो काम है वो कौन देखती है पंचायत देखती है और अपना काम करने के लिए पंचायत को पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो पैसा है कुछ पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से आता है और कुछ पैसा जो है वो जो टैक्सेज लगते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर फेयर्स के ऊपर वहाँ से इकट्ठा किया जाता है या फिर कुछ जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है प्रॉपर्टी को सेल करने की या फिर कैटल को बेचने की वहाँ से भी पैसा आता है तो ये जो है ये सारे सोर्सेज हैं इनकम के पंचायत के लिए द टॉपिक इज़ ओवर थैंक यू